सो गाइज, IQ ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि इंडिया में IQ न्यू 9 प्रो 5G स्मार्टफोन 22 फरवरी को ऑफिशियल लॉन्च किया जाएगा। और सो गाइज, आज के वीडियो में बात करेंगे हम ओनली IQ न्यू 9 प्रो 5G स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन और लेक्स प्राइस की। फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डुअल टोन वैगन लेदर बैग के साथ लॉन्च किया जाएगा। मिडिल का फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलने वाला है और फ्रंट में मिलेगी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोडक्शन, यानी कि बिल्ड क्वालिटी आपको टॉप लेवल की मिलने वाली है। बिल्ड क्वालिटी से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। डिज़ाइन है वीडियो में देख लीजिए, डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से आपको कहीं तक भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। डिस्प्ले मिलेगी आपको 6.78 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ, एक OLED 144 GHz के स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट के साथ, एक फ्लैट डिस्प्ले जहां पर आपको HDR10+ की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, वाइडबैंड L1 की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। वी एंगल काफ़ी कमाल के मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन कंटेंट वॉच करने में और गेमिंग में कहीं तक भी कोई शिकायत नहीं आएगी। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर मिलेगी आपको 3000 निट्स की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस। ब्राइटनेस इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस में बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी औसम मिल जाएगी। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट और फेस लॉक की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, तो डिस्प्ले से बेफिक्र रहिए। लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 और फन टच OS 14 के साथ आने वाली है IQ न्यू 9 सीरीज। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ़ोन में परफॉर्मेंस की। बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। IQ ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 वाली पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिक्स में बनी हुई है एंड 3.25 GHz की मैक्सिमम पीक की लुक स्पीड देखने को मिलेगी CPU परफॉर्मेंस में। यानी कि परफॉर्मेंस का सेगमेंट आपको काफ़ी बढ़िया में देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। LPDDR5 एक्सचेंज वाली रैम और UFS 4.0 वर्जन वाली स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगी हायर बैंड के अंदर, यानी कि परफॉर्मेंस से आप बेफिक्र रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा सेटअप की। तो डुअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, 50 MP का मेन सेंसर होगा विद OIS की सपोर्ट देखने को मिलेगी। सेकेंड कैमरा होगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि 8 MP का देखने को मिलेगा, जहां पर आप 8K में एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल फ़ोन का कैमरा काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कैमरे से शिकायत नहीं आएगी। एंड सेल्फी कैमरे की बात करें तो पंच होल के साथ आपको 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जहां पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं फ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो 5000 mAh की बैटरी और बैटरी को चार्ज करने के लिए 120W वायर चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी और 120W फास्ट चार्जर आपको इनबॉक्स देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन सीरीज 12GB 256GB एंड 12GB 512GB एंड 16GB 1TB के ऑप्शन में देखने को मिलेगी। अब बात फ़ोन के लिक्स प्राइस की बात करें तो IQ Neo 9 28,000 में देखने को मिलेगा और IQ Neo 9 Pro 5G स्मार्टफोन 35,000 में देखने को मिलेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।